जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। कच्चे तेल की कीमत तो दुनिया के बाजार में पिछले 2 महीने में कम हुई है, फिर ये 7 रुपए बढ़ाना इसका कोई औचित्य नहीं था। और आधे से ज्यादा जो तेल की कीमत है वो तो टैक्सेस के रूप में जा रही है, तो जब कच्चे धान की कीमत बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है। सरकार गरीबों के दर्द के प्रति उदासीन है, मध्यम वर्ग परेशान है, आम आदमी करा रहा है, कीमतें कम नहीं हो रही हैं और ये सरकार उनके घाव पर मलहम की बजाय नमक लगाती है। तो सुथरी और साफ सरकार चलाते हैं, वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो पहली मार पड़ती है मेरे युवा रोजगार भाई पर जो स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाता है। जेब में पैसा नहीं है, खुद कमाता नहीं, माँ से जाता है मांगने। फिर से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं। सरकार का जब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं तो उतना टैक्स भी बढ़ता है और टैक्स में राहत देकर गरीबों को राहत दी जा सकती थी, पर सरकार का ये निर्णय जो है ये गरीबों के ऊपर एक प्रकार से अन्याय करने वाला है। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी।